लवली थ्योरम एंड कॉची इनक्विलिटी पर डिस्कस करना है। इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रेसिड्यू थ्योरम और टेलर्स थ्योरम, उसके बाद लॉरेंट से सीरीज पर डिस्कस किया हूँ और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस एट लवली थ्योरम एंड कॉची इनक्विलिटीज। तो इन से पहले आप कुछ बेसिक कंसेप्ट की जानकारी रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले इंटीग्रल फंक्शन, या इसे दूसरे नेम दे सकते हैं इंटायर फंक्शंस, क्या होती है। तो इसमें जब एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो किसी फिनाइट रीजन ऑफ जेड प्लेन के लिए, तो वह जो फंक्शन होगी इंटीग्रल फंक्शन या इंटायर फंक्शन कहलाती है। ये तो इंटायर फंक्शन का डिफिनेशन है। यह अब इसके आफ्टर कॉची इनक्विलिटी, कॉची इनक्विलिटी क्या है इसका स्टेटमेंट देखिए। एफ ऑफ जेड यदि एनालिटिक है किसी सर्कल में पर और अंडर द ये गामा सर्कल में, तो उसे डिफाइन किया जा सकता है मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर। इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी जेड ऑन ये सर्कल विथ जेड प्लेन जो है, दैट इज द एफ एन एफ टू द पावर एन ए मॉड इज लेस देन फैक्टोरियल एन अपन इन टू एम अपन आर टू द पावर एन। इसमें ए जो है वह एनालिटिक पॉइंट है और आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, एम इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, एनी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। तो कॉची इनक्विलिटी में यह हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एन एफ टू द पावर एन ए का मॉड जो होता है वह लेस देन होता है लेस देन होता है फैक्टोरियल एन इन टू एम बाय आर टू द पावर एन। अब इसकी प्रूफ में वी नो दैट कॉची के एंथ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला होता है, जिस पर हम पहले इससे पहले भी क्लास में हमने डिस्कस कर चुका हूँ और बड़ा शॉर्ट में किया है। और इसी इन फॉर्मूला से एफ टू पावर एन या एफ प्राइम एन ए इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन बाय टू पाई आई और इंटीग्रेशन अलोंग गामा इज एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन इन टू डी जेड। ये तो डेरिवेटिव्स फार्मूला है फॉर द कॉची डेरिवेटिव्स फार्मूला। अब इस चूंकि हमको मॉड में इसे प्रूफ करना है, इसलिए दोनों तरफ हमने क्या किया है, मॉड ले लिया है। अब मॉड लेने पर ये मॉड जो मॉड के जो प्रॉपर्टीज है उसमें अलग अलग इसमें मॉड इसमें टेक लग जाएगा। अब इसमें ये फैक्टोरियल एन कांस्टेंट है, टू पाई भी कांस्टेंट है, तो ये इसके जो मॉड होते हैं उसी कांस्टेंट नंबर्स के इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें व्हाट इज मॉड ऑफ आई, वह वन के इक्वल हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर मान लिया आई प्लस जीरो प्लस आई है, तो जीरो का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस वन,
माइनस वन होता है तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन हो जाएगा। अब इस में जेड टू द पावर एन का मॉड जेड का मॉड पर एन पावर हो जाता है, चूंकि यह जेड माइनस ए ये हमें नौ है, जेड इंटू ई टू द पावर आई थीटा होता है, तब ई आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जब दोनों बोथ साइड में आर से मल्टीप्लाई किया जाए और मॉड फाइंड किया जाए तो यह आर के इक्वल हो जाते हैं। फिर इसी में आगे जब जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर ई आई थीटा होता है तो जेड को यदि हम एक तरफ किया और डिफ्रेंशिएट किया तो ए का तो कांस्टेंट है ये जीरो हो जाएगा, डी जेड ये डिफ्रेंशिएशन आर आई ई आई थीटा का दोनों तरफ मॉड लेने पर, चूंकि यह जो है आई का मॉड वन होते हैं ई आई थीटा का भी मॉड वन होते हैं। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम टू में पुट किया है और पुट करने के आफ्टर ये वैल्यू हमें फाइंड हुआ। अब आर के पावर में माइनस हो करके आर टू दी पावर एन हो जाए, यहाँ पर एफ ऑफ जेड एक पॉजिटिव कांस्टेंट के इक्वल हो जाते हैं और वह जो है लेस देन हो जाते हैं, तो इस टर्म को हम इस पोजीशन में लिखने का लिखा और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यह कॉची इनक्वालिटी प्रूफ हो जाती है। अब लवली थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन हो जो कि सेटिस्फाई करता है कॉची इनक्वालिटी तो यह जो है मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन एम है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड वेयर एम इज पॉजिटिव कांस्टेंट देन एफ जेड इज कांस्टेंट। जब वह इनक्वालिटी कॉची इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तब एफ जेड जो है एक कांस्टेंट होगा, लॉली थ्योरम का स्टेटमेंट। इसकी प्रूफ के लिए यदि ज़्यादा से ज़्यादा अंक में किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एट फर्स्ट पहले कॉची इनक्वालिटी को प्रूफ करके फिर आप लवली थ्योरम को प्रूफ करने में उसका यूज करेंगे कॉची इनक्वालिटी का। यदि इसमें कम मार्क्स वाला हो तो वही नौ बाय कॉची इनक्वालिटी, और ये कॉची इनक्वालिटी में एन का वैल्यू वन एन का वैल्यू वन पुट करने पर कॉची एन का वैल्यू यदि वन पुट किया जाए तो दैट इज एफ प्राइम वन होगा, ए मॉड ऑफ इज लेस देन वन फैक्टोरियल वन बाय एम बाय आर वन हो जाएगा ये। अब चूंकि इस केस में एम एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और इस तरह से यह वैल्यू जो होगा एफ प्राइम ए मॉड इज लेस देन एंड इक्वल टू एम बाय एफ एम बाय आर, यदि आर टेंस्ट करता हो इन्फिनिटी को तो एफ प्राइम ए का वैल्यू जो होगा वह ज़ीरो हो जाएगा, चूंकि ज़ीरो एक कांस्टेंट है इसलिए एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। तो इस तरह से लॉली थ्योरम का प्रूफ हो जाती है। अब इस पर बेस्ड लॉली
थ्योरम बेस के बेस पर एक एग्जांपल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कंपटीशन हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो लेट एफ इज सच दैट सी टू सी बी एन इंटायर फंक्शन। सपोज दैट एफ इज यू प्लस आई वी, जो यू और वी जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ है, तो एफ कांस्टेंट। तो इस एफ कैसे कांस्टेंट है, उसके लिए फोर्थ कंडीशन है। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं एफ इज कांस्टेंट, तो उसी को प्रूफ करना है। और इसके प्रूफ के लिए हमने लॉली थ्योरम के स्टेटमेंट को सबसे पहले उसमें देखा कि एफ यदि एक इंटायर फंक्शन है, तो ये इस क्वेश्चन में यह इंटायर वाली फंक्शन की बात लॉली थ्योरम में सेटिस्फाई हो रहा है, और एफ इज कांस्टेंट इसमें ही है। यदि इस तरह से जब यह लॉली थ्योरम के स्टेटमेंट को यदि इससे कंपैरिजन किया जाए, इस कंडीशन को यदि एफ बाउंडेड हो, तो एफ इज यू प्लस आई भी, इसमें यू और भी एक यू जो है रियल पार्ट है जो कि बाउंडेड है, और भी एक इमेजिनरी पार्ट है जो कि बाउंडेड है। जब यू और भी बाउंडेड हो जाते हैं, तो एफ ये जो है बाउंडेड हो जाते हैं। तो ये जो थ्री कंडीशन ए बी सी वाला कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इस कंडीशन के लिए एफ कांस्टेंट होगा ही। अब लास्ट वाला डी जो है, इस कंडीशन में स्क्वायरिंग पोजीशन में जो भी पार्ट्स हैं, ये रियल पार्ट्स हैं, वह यदि बाउंडेड है, तो बाउंडेड मींस इसको जो हम मॉड डिफाइन करते हैं, तो यह लेस देन एम हो जाता है। अब जब इसको हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे पार्शियली एक्स एंड वाई पर, तब यह इस ड्यू टू यू डी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस टू वी डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम कांस्टेंट टर्म्स है। और टू यू डेल यू बाय डेल वाई प्लस टू वी डेल वाई डेल यू इक्वल जीरो। एनालिटिक फंक्शन में डी यू और डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स के होते हैं। जब इसको बाउंडेड के लिए इस कंडीशन को जब डी यू बाय डी एक्स के रूप में यह जीरो किया जाए और उसे इंटीग्रेट किया जाए, तो एक कांस्टेंट यू का वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से डी वी बाय डी वाई का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो डी वाला कंडीशन है, यह भी जो है सेटिस्फाई होता है। इस तरह से ए बी सी डी सभी सेटिस्फाई करते हैं। यही इस क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट